थैंक यू थैंक यू जी। बस ये यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड्स है, ये फर्स्ट सीजन है और दिस इज टू ऑनर पीपल हु हैव एक्सेल्ड इन देयर प्रोफेशंस एंड इट्स अ वेरी गुड एनकरेजमेंट ताकि ये यू नो पीपल फील एनकरेज एंड इंशाल्लाह दिस विल बी अ सक्सेसफुल इवेंट व्हिच विल एनकरेज देम टू डू फार मोर years and seasons and more award functions. Yeah. So good morning everyone. आज हम लोग देख रहे हैं कि my friend Kalpana has arranged this beautiful program at Taj Santa Cruz Universal Eminence Award and I'm very excited to meet everyone, those who are present here, and I would like to meet the celebrities, those who are coming. It's a biggest platform where Kalpana is trying to motivate business women, businessmen for their achievements, and I'm very excited, very happy to see you all, and I would like to meet them, would like to learn from them, and I'm very happy, very excited. So the program will start soon, and yeah, I'm very happy. Thank you. So this is ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर मुंबई में इतना बढ़िया एक अवार्ड सेरेमनी होने वाला है अभी, जिसके लिए हम सब रुके हुए हैं। इट्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड सेरेमनी, जिसका ये पहला सीजन है मुंबई एट ताज सांता क्रूज में, और ये जो इवेंट हेड कर रही है बहुत ही डायनामिक लेडी है, कल्पना देसाई, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एंड शी हरसेल्फ इज़ अ ग्रेट डायनामिक इवेंट मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, शी इज़ एन एक्सलेंट लेडी एंड शी इज़ वर्क सो हार्ड organize this award ceremony. बहुत सारे known celebrities, बहुत सारे successful entrepreneurs, business women, business men, all are going to be here to receive this award. And we are looking forward for this event, which is just going to start in some time. I'm Dr. Niveda Shreyans. I'm the director for Pillay Group of Institutions, and I'm also a trainer for heartfulness meditation. And I'm very happy to be associated with this event. And we wish Universal Group and Eminence Awards all the very best, and hope that they keep on doing these events year and year ago and make this a great impact on the society. थैंक यू सो मच। इस इवेंट के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी बड़े स्टार्स आए यहाँ पे, हम भी अभी एक स्टार बन गए जो इनके साथ चमक रहे, सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बचपन का सपना आज पूरा हो रहा है, फाइनली आज इतने अच्छे इवेंट में हम अटेंड कर रहे हैं, इट्स गोइंग ग्रेट। Thank you so very much for having me here, and the event is beautiful, the award show is going amazing, sab chamak rahe hain yahan par, kafi acha lag raha hai. Thank you. Chal raha hai abhi thoda time hai, abhi doctor ne kaha hai 1-2 mahine tak haath abhi sling mein rahega, but yeah, chal raha hai, slow steady progress. So aaj yahan par ye mauke par aap yahan pe present यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज नॉर्मली जब मुझे अवार्ड्स दिए जाते हैं इट इज़ फॉर एक्टिंग, बट आज मुझे होस्टिंग के लिए दिया जा रहा है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एमटीवी सिलसिला 15 होस्ट किया था, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट दिस फॉर होस्टिंग आज यार। मुझे बहुत खुशी है मैं यहाँ पे हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ, नॉमिनेटेड हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ना ये बड़ी नई जर्नी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसे ऐसा भी मौका मिलेगा कि मुझे मैं नॉमिनेटेड होंगी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, तो कभी वरना हमेशा डांसर के रूप में मुझे देखा जाता था, या सब लोग जो जानते हैं संभावना को वो डांस के उससे माध्यम से जानते हैं, लेकिन ये बड़ा नई चीज़ है मेरे लिए और मैं ना बड़ा इंजॉय कर रही हूँ इस फेज को कि एक इज्जतदार फेज है ये कह सकती हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अरबाज जी से मैं ना बहुत साल पहले मैं एक कॉमेडी शो में मैंने परफॉर्म किया था और तब मुलाकात हुई थी, अब उसके बाद आज मुलाकात हो रही है, ऑब्वियसली उनको तो याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे, एंड बीइंग एन मॉडल, बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर unlock today new feather in my life, and yeah, I love to thank you Eminence, Universal Eminence Awards, और मैं बहुत ज़्यादा confident feel कर रही हूँ, और मैं जितने भी achievers हैं आज सभी को दिल से congrats करना चाहूँगी,
थैंक यू सो मच। ये कहना चाहोगे आप इस इवेंट के बारे में, अवार्ड लेने? नर्वस तो हूँ, थोड़ा थोड़ा नर्वस हूँ और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। अभी मैं दोनों को बैलेंस करके नहीं बता सकती कि क्या फीलिंग ज़्यादा है। सो बेसिकली एक्साइटेड हूँ अवार्ड लेने के लिए। इवेंट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक इट्स अ प्राउड मोमेंट टू गेट एन अवार्ड, वो भी इतने रिनाउंड फिगर से। एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू कमर्स ना, हम और मोटिवेट होते हैं व्हेन वी कम इन टू द बिजनेस एंड व्हेन वी गेट अप्रिसिएशन, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम फीलिंग रियली गुड फॉर गेटिंग दिस अवार्ड। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम अनुपमा प्रकाश। मैं यूपी लखनऊ से हूँ बट मैं अभी बॉम्बे में ही रहती हूँ और आई एम वेरी मच एक्साइटेड इस अवार्ड के लिए कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, बता ही नहीं सकती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, यू कैन सी माई फेस, लाइक दिख रहा है मेरे फेस में कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मुझे मिला है अवार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वर्सिटैलिटी, तो ये एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट और मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं अपनी वर्सिटैलिटी से अलग अलग चीज़ करके आप लोगों को एंटरटेन करूं। और आई थिंक ये वक्त में मुझे बहुत सही अवार्ड मिला है क्योंकि अब बहुत जल्दी मेरा खुद का गाना बतौर सिंगर आने वाला है, एक दो हफ्ते में। चलिए आप एक्सक्लूसिवली बता देती हूँ, वो गाने का नाम है हाथ ना आने वाली बीन। इसका शूट मैंने थाईलैंड में किया था और मुझे जो पंजाब के बहुत बड़े सिंगर है शेरीमान सर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक कंप्लीट परफॉर्मर बन सकती है। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद की आवाज़ में गाना गाना चाहिए। तब सना सुल्तान सिर्फ एक्टर नहीं, आपको ऐसे कंप्लीट परफॉर्मर देखने मिलेंगी जो गाना भी गाती है, जो स्टेज परफॉर्म भी करती है और बहुत जल्द कॉन्सर्ट भी करने वाली है। अवार्ड्स का पहला फंक्शन है तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कल्पना जी को और उनकी पूरी टीम को, और आई वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एंड बहुत से अवार्ड्स आगे हों, हर साल हों, साल दर साल हो, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें इन आवर फ्रेटर्निटी एंड कीप सेलिब्रेटिंग। दैट्स Hi, I want to congratulate Eminence Awards Kalpana ji, who's started this wonderful initiative, this wonderful award function, which is going to have many, many more. I wish her all the luck, and it's a great platform for people from all walks of life and from our Bollywood fraternity to win and get the awards. Thank you. This is a recall value क्योंकि जब मैं स्कूल से निकली थी तो मुझे 10th क्लास में स्कूल से सेम अवार्ड मिला था, शायद वो उन लोगों का ही बिलीव है which turned out to be this award today। अरबाज सर के हाथों से मिलना make it more special because he is the one who made this film possible. He is the producer of my film and I think from day one he is someone who has made me be at as so ease to make every scene possible. So this performance which I has delivered is because of him. Yeah, I think we all are on our journey and कोई भी चीज सही या गलत पे हम उसको determine नहीं कर सकते, but when you get these awards we get to know that we are on the right track because this is kind of a milestone to the kind of efforts we are putting in and to the kind of no's we are saying to a lot of work कि हम ये काम नहीं करना है because I don't find that this काम is that level and I think for that reason we really need these awards for such validations and this is I think just the kind of a token of love which we get from people. Thank you. Eminence Award जो हम receive कर रहे हैं, इसका जो मेरा main motive है कि जो super specialty concept जो हम India से रिसर्च बेस्ड कंसेप्ट बनाकर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी के नाम से WHO को जो डेटा सबमिट करने जा रहे हैं जिसमें हम होम्योपैथी से 3,500 से ज़्यादा पेशेंट जो कैंसर किडनी फेल लास्ट स्टेज ऑफ कोमा के पेशेंट सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट जिसमें दुनिया इसको असंभव मानती है लाइलाज मानती है ऐसे केसेस में जो हमने काम किया है उसको जो 3,500 पेशेंट का जो डेटा है हम WHO को सबमिट करेंगे और निश्चित रूप से इससे भारत में जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है एक नया
फील्ड बनकर होम्योपैथी भविष्य की जो है वो हम जो लॉन्च करना चाह रहे हैं उसमें आपका जो माध्यम है इसका जो हमारा प्रभाव है निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया और खास करके अरबाज खान जी को जिन्होंने जो भी खुद ही ऑल इन वन एक प्रोफाइल है वो एक्टर भी है डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है तो उसी तरीके से हमारा भी कुछ कोशिश है कि होम्योपैथी से सभी बीमारियों को 300 प्रकार की बीमारियों पर ऑल इन वन एक फास्ट ट्रीटमेंट बिना परहेज का बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट दे सके और इसके लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं फिर से आपको धन्यवाद कहूंगा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन फ्रॉम इंदौर। थैंक यू नमस्कार। वी आर सो एक्साइटेड टू गेट दिस अवार्ड। हमारी कंपनी है मेरिडियन रियल्टी एंड वी आर इनटू रियल एस्टेट सेल्स पैन इंडिया एंड वी थैंक टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग अस दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड वी आर the largest channel partners with Raymond's Realty and we are expanding our whole business in Thane, Mumbai and different parts of the whole country. So thank you, thanks a lot for giving this prestigious award. We are in the real estate consultancy company. So we request all who's over wants ki aap humse aaye mile, hum banate bhi hain aur bechte bhi hain. Thank you. Disha Enterprise ko बेस्ट डिजाइन ऑफ रेमंड के क्लब हाउस के लिए मिला है। अच्छा लगा देख करके, बढ़िया मजा आया, शानदार। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणाली, को-फाउंडर ऑफ पिटारा। सो टुडे वी वर हियर फॉर द यूनिवर्सल एक्सीलेंस अवार्ड, द फर्स्ट सीजन एंड इट वाज अमेजिंग। आई रियली फेल्ट गुड दैट पिटारा हैज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी कैटर दिस अवार्ड एंड एवरीथिंग एंड 1 year of Pitara, 70 plus campaigns and millions of views. Thank you so much. It was our pleasure that we were here today. Thank you. This is the iconic power pack performer for Ghuspaithiya. And thank you so much for this award. I'm really thankful to everyone who helped me to grow as an actor. I'm really excited. To keep doing exciting work. Thank you so much. Thank you. Thank you. हाँ अभी अभी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव है टिफ में, छावा का टीजर आप लोगों ने देखा एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। बाकी आने दीजिए फिर बात करेंगे। विच वन? वक्त आने दीजिए, खूब सारी बात करूंगा। थैंक यू। प्लीज टेल अस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज टेल अस हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस अवार्ड और प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए हाउ डू यू फील टू बी हियर। आई फील रियली अमेजिंग टू बी हियर, वेरी ऑनर्ड दैट दे इनवाइटेड मी टू दिस ब्यूटीफुल इवेंट एंड वेरी हैप्पी, फीलिंग ब्लेस्ड। आपने जैसे बताया कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आज ये जो आज का जो स्पेशल चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स का, आप ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो कितनी खुशी इस बात की है। आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीवन हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस की लोग दूसरे लोग आपको देख के कुछ सीख रहे हैं। सो वो जो कंटेंट वो बना रहे हैं वो उनसे अभी की जो जनरेशन है वो बहुत सारी चीज़ें सीख रही है। So I'm very happy that influencers are doing very great and सबको यही है कि करते रहो अच्छे काम, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहो। इन्फ्लुएंसर्स साथ ही साथ ट्रोल भी बहुत होते हैं, तारीफ भी मिलती है, ट्रोल भी बहुत होते हैं, तो ट्रोलिंग को कैसे देखते हो? ट्रोलिंग, ट्रोलिंग आई थिंक इट्स अ रिव्यू ऑफ पीपल, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, तो शायद आई थिंक पॉजिटिव को लेना चाहिए एंड नेगेटिव इफ यू अवॉइड इट्स गुड फॉर एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। इवेंट्स है और ऐसे इवेंट्स बनने चाहिए, सो आई एम हैप्पी टू बी हियर।